कैसे? ओ बाइक, चलो 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 भागो भागो भागो। आज हम इसके पीछे पीछे ही चलेंगे। हैरी आराम से बेटा। गाइस आज मेरी मम्मी के चक्कर में मेरी मम्मी ने 200 रुपए बचा लिए। कहते रिक्शा नहीं कराना, पैदल पैदल चलो। हे भगवान, बच्चे को भी ले रखा है बैग में, बैग को भी ले रखा है। मम्मी शॉर्टकट रास्ते से ले आई, घूम के रास्ता पड़ता है ना तो वहाँ के 150 रुपये लगते हैं। तो मम्मी अनुष्का कैसे हो, कैसे हो अनुष्का, कैसे हो? ये विशु की फ्रेंड मिल गई। घर पे आना, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गढ़वाली माँ। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में उठे, ठीक है, उठने के बाद नाश्ता करा, ब्रेड मक्खन चाय, फिर उसके बाद खाना खाया। उसके बाद पता चला कि दीदी के घर जाना है। कितना गाड़ी, कैसे कैसे कैसे, चलो चलो, कैसे भागो 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 भागो। अभी ऑटो ले लिया है, ठीक है, वहाँ से यहाँ तक के पैसे तो मम्मी ने बचा दिए, पर ऑटो में तो बैठना ही पड़ेगा जहाँ पे स्टैंड है। वैसे मैं स्कूटी से चली जाती, 100 किलोमीटर है, 75 है ना कोटद्वार भैया, कितना है? 75 है कोटद्वार, 75 है, एंड जो नजीमाबाद है वो 30-35 होगा शायद यहाँ से। तो मैंने सोचा पहले स्कूटी से जाती हूँ, फिर लगा कि नहीं यार, दो बच्चे हैं, मम्मी है, कहीं पे ब्रेकर आ गया, और लड़की का तो आपको पता ही है जरा सा कुछ होता है तो डर जाती है वैसे, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं यार, स्कूटी से नहीं जाते हैं, आ जाओ, दूसरे के ऊपर ही सब छोड़ देते हैं, रुको आ जाओ। तो अभी हम निकल गए, मैं ऑटो में बैठ गई हूँ, और ये मैंने लिया था ताकि मुझे टैनिंग ना हो, और टैनिंग की तो आप करो ही मत बात ना, टैनिंग तो हो ही जानी है। वैसे अच्छी तरीके से सनस्क्रीन वगैरह लगा ली है। उफ, चलो ऑटो में बैठेंगे अब। अरे जोर से बोलो, अरे हनुमान जी बन जाओ, हनुमान जी, हनुमान जी, जय बजरंग बली, हर गंगे। ऑटो से सीधा हम बैठ गए टैक्सी में। अरे कैसा लग रहा है? सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं मोटा महादेव, नजीमाबाद से 10 किलोमीटर पहले। सो गाइस, अभी क्या है ना, हम ऑटो से उतरे और कैब लगी रहती है, मतलब टैक्सियाँ, तो फटाफट से हम उसमें बैठ गए। तो हम पहुंच चुके हैं नजीमाबाद। काफ़ी टाइम से जीजू की तबीयत ख़राब थी, तो सोचा यार रहा नहीं जाता है ना ऐसा सुन के कि किसी की तबीयत ख़राब है और आप घर पे हो, तो मुझे लगा कि चलो यार एक बार देख के आ जाना चाहिए। तो हम आ चुके हैं अभी हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल है, अंदर जाएंगे। मम्मी चाय पानी का कुछ देखने गई है, फल फ्रूट तो यहाँ पे है नहीं, हॉस्पिटल है तो फल फ्रूट होने चाहिए बट नहीं है, तो मम्मी चाय पानी का जुगाड़ देखने गई है उधर, कि चाय पानी मिल जाए तो हॉस्पिटल में ठीक रहता है ले जाने का। और ये बच्चा सारी चीज़ें खुद कर लेता है। अरे गाड़ी वाला कैसे चला रहा है, इतने भाई ड्राइवर को देखा गाड़ी चलाते हुए, अरे गाड़ी कैसे चला रहा, चला के देखो गाड़ी कैसे, ऐसे ऐसे, अरे वाह, छुक 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 गाड़ी चली बस। सो देखा आपने, ऐसे चलती है बस, कैसे चलती है बस ये बता। ड्राइवर के सामने ही बैठा हुआ था ना, तो ये पूरी नॉलेज ले रहा था कि किस तरीके से वो चला रहा है गाड़ी को, तो वैसे ही कर रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पे मम्मी को कुछ नहीं मिला है, चाय पानी कुछ नहीं, मम्मी वापस आ रही है।
देखो वैसे तो बच्चों को हॉस्पिटल नहीं लाना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगा कि यार भाभी के साथ चार बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, और भाभी तो संभाल लेती जैसे तैसे करके अगर मैं छोड़ के आती तो। यार मैं भी तो एक वुमेन हूँ, मुझे भी तो दूसरी वुमेन के बारे में सोचना चाहिए ना, और मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाती तो यार क्या फ़र्क रह जाता। तो इसलिए वो दो बच्चों को संभालने वही बहुत है, मैंने कहा इन दो बच्चों को मैं संभाल लूँगी जैसे तैसे करके। तो चलो देखते हैं अंदर क्या है। यार क्या बोला मम्मा ने, किसी भी चीज को टच नहीं करोगे? मम्मा तीन बार बोल दिया है आपने, क्या करूं, तीन बार बोल दिया है तो कितनी बार बोलोगे? ओके ओके, भाई को भी समझा दो। हरी किसी भी चीज को टच नहीं करना, ओके ऐसे ओके। ये खुला है नया हॉस्पिटल लाइफलाइन, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है अभी यहाँ पे ना, काम चालू ही है, देखो सारी चीजें हो रही है। हाँ बैग पूछ रहे ना कहाँ रखना है। हाँ आ जाओ हरी, हरी आ जाओ। नानी अंदर चली गई, ये आईसीयू है और इसमें बच्चे अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बच्चों के साथ बाहर हूँ। ऊंट ऐसी देखता था रोज पेड़ पर, देखता आम कर ना पाता। अब हम आ गए हैं नजीबाबाद, कदम मम्मा को बाय बाय। देखो हमें कोटद्वार पहुंचते पहुंचते रात हो गई है और हमारे हैरी सोने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, टोपिया नीचे पहन के। हैं देखो ये बंदर छो गया क्या मेरा, ये बंदर छो गया क्या मेरा। उतर गए कोटद्वार, देखो ना फल लिए ना फ्रूट लिए, यहाँ से छोटी छोटी चीजें ले रहे हैं। और सालू के लिए मैंने ये लिया है क्योंकि सालू आ चुके हैं। सालू हेलो, हमें लेने आई है वो। विशु कहाँ है? मैंने तुझे ही तो दिया था, विशु कहाँ गया? उसी मुझे नहीं पता। हाँ विशु खो दिया, अरे घर छोड़ के आ गई है, झूठ बोल रही है। बेटे साइकिल चला रही है। बाय परी बाय। ये लो बैग लेके, ये हमें लेने आए हैं। परी क्या हो गया, थोड़ा स्कूटी भी चलाओगे इसलिए साइकिल में पहले ही कंफर्टेबल हो जाओ। चलो नहीं चला परी, तो गाइस यहाँ पे मौसी और कोटद्वार आ चुके हैं। ये हमारा हैरी दीदी, ये नानी है हमारी, ये विशु गुंजन मस्ती कर रहे हैं। भैया हाय बोलो। हाय देखिए ये हमारी जवान बुआ है, बिल्कुल। तो भाई आज अभी हम विशु को गिफ्ट देंगे, भाई मैं पहले दिखा, ठीक है भाई देख लो, हाथ दो हाथ दो हाथ दो। चलो भाई अब आइस खोलो, आइस खोलो, आइस खोलो। ये वाली वाओ, हैरी हाय बोलो हाय। नानी को तो ये देखो, नानी को नानी को, ये नानी अमेरिका से आई है, जय करो नानी को। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, यहाँ पे सब ये लेडीज़ों की बात हो रही है, तीन लेडीज़ों की, और बिचारी पिन्नी मौसी अकेले बैठी हुई है पानी पी। क्या हुआ, लो लो हैरी लो, वो देखो ये सब अकेले बैठे हैं। वाह खा लो, आ खिला दूँ ये दो परियां आ रही हैं, रात के 12 बज चुके हैं और इन दोनों के हाथ में दिखाऊं आपको क्या है, जरा दिखाना मुझे, देख रहे हो माल्टा, क्या है ये माल्टा, क्या है गुंजन ये माल्टा, माल्टा तो मुझे ऑरेंज लग रहा है। अच्छा जी, तुम दोनों के दोनों कौन सी क्लास में हो? मैं 7। क्या आप कौन सी क्लास में हो? 6। ये खुद तो खा ही रहे हैं, मुझे भी बोल रहे हैं लो, चलो मैं भी एक खा ही लेती हूँ ना फिर। ये देखो दादी अम्मा हमारी चुपचाप। मौसी 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 विशु क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कितनी ठंड हो रही है।
हैरी कैसे? हैरी कैसे? ये ऐसी स्टाइलिश वाली पजामी किसने पहनाई है हैरी आपको? है? मुझे तो तुम दोनों की दोनों प्रिंसेस बहुत अच्छी लग रही हो। नींबू पानी नहीं बनाते रात को, एक संतरे के लिए देख लो। इन तीनों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो बेटा आपको संतरे बहुत पसंद है? इसका नाम गुंजन है, इसका नाम हैरी है, इसका नाम परी है और इसका नाम विशु है। वियांश जन को देख लो, टंकी के मुहावने कर रही है, बोल रही है मौसी एक में चिल्ड पानी आता है, एक में गरम पानी आता है। गरम ही हो रहा है। और ठंडा किसमें है? ये लो बुआ जी आ गई, ऊपर सोने बुआ को लग रही है बहुत तेज गर्मी। ओहो यूं कह रही ऊपर ही सोएंगे मम्मी हम। नानी को देखो, नानी को ना, नानी तो सोगी। ये लो हमारे हमारी दीदी भी आ गई है। अरे मम्मी नानी की तो चिल्ला। हाँ नानी के, ये कौन सी बुआ जी, ये कौन सा योगा कर रहे हो तुम लेट के? बोल दे प्यार कर देगा, प्यार मुझे प्यार करो। जेठी माँ को पुच्ची करो, चलो साफ कर दो पहले। जेठी माँ देखो क्या कर रही है, प्यार करिए, कर दो प्यार कर दो। ओ वाओ ऐसे कर दो, ये बिन्ना बड़ी जोर से रापट मारा इसने तो, ऐसे कर दो। जेठी माँ को रापट नहीं मारते, अभी इनकी एक्टिंग चल रही थी, दीदी की एक्टिंग देख लो पहले। चप्पल भी गिर गई इसकी, नोजी में दे दो पुच्ची, इसकी नोजी में दे दो पुच्ची। कर लिया प्यार? देख ले बिन्ना रापट मार रहा है। तो गाइस आपको हमारी एक्टिंग कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। कहाँ जा रहे हो हैरी? इधर आओ। बस इस मेरे विशु को तो दादी अम्मा ही पसंद आती हैं, हर जगह है ना, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ जाता है, पता नहीं क्या। तारे चांद तो है ही नहीं अभी, तारे खाली टूट गया, कर दिया नुकसान ये दोनों की लड़ाई। चांद सितारे क्या सिखा रहे हो बुआ को? गाइस हमने तो आपको अपना डांस सिखा दिया, अब मेरी मौसी का डांस देख लो रात को। क्या कर रहे डब डब दोनों बच्चे मेरे? चलो देख देख ये हैरी को देखो, हैरी को देखो, हैरी को। हैरी बेटा नीचे क्या देख रहे हो? आवाज मार दे नानी को, मम्मी को आवाज मार रहा है भाई। दे अंतर दे, देख तो मम्मी को आवाज मार रहा है। ये रात को सोते टाइम पी रहे सब कोल्ड ड्रिंक, दीदी की तो जान है कोल्ड ड्रिंक। और इस अब ये देख नमक डाल के पिला रही, मुझे भी डाल, मेरे में डाल रही, सब ये सब लोग खेल कर रहे हैं, तो नमक डाल रहे काला। विशु आप मत पियो, आपको पॉटी लग जाएगी। झाग बनाओ जो काला नमक डाल दिया, देखो कितनी सुंदर छुट्टियां बांधी है। परी इधर आना, एक बार इधर, स्कूल जाना है कल। वाह चलो करो।
इतने छोटे छोटे बच्चे टैलेंटेड अगर हो तो इस देश का क्या हो, ये सोचो। इतनी छोटी सी है ये हमारी गुंजन, और मेरा इसकी आंखें देखो यार कितनी प्यारी है। गुंजन देखें ऊपर, देख रहे हो आप। और इसने मेहंदी लगा दी, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई यार, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई यार। ऐसा ऐसा तो दिख रहा है मौसम, मगर ये मेहंदी ना रचने की। वाह गुंजन वाह, मैं आपकी दीवानी हो गई हूँ यार। दीदी की अलमारी की चाबी लेके सो रहा है। ये जा रहे हैं आज सुबह सुबह हीरो हीरो एंड ये गुंजन बैठ चुकी है, ये जा रहे हैं अपने घर। चलो बैठो। नान नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वही जाए और इनकी सो सो के उठ के साकर। और ये है हमारा क्यूट सा हैरी। हैरी हाय। हमारी तो परी तैयार हो गई, परी का लुक देखो। गुड मॉर्निंग, मेहमान चले गए हैं और आप देखो मेरे हाथ की मेहंदी उस बच्चे ने लगाई है, गुंजन ने। भाई बच्चे उस टाइम पे पता हुई भी नहीं थी वो, जब मेरी शादी हुई थी, और आप देखो वो कितनी बड़ी हो गई है भाई। ये है मेहंदी, कैसी लग रही है। और इन लोगों ने पता क्या शर्त लगाई थी कि ये मेहंदी रचेगी नहीं, क्योंकि ना तो शालू की रची ना परी की रची। और आप मेरे देखो किस तरीके की रची है, होती है ना कोई कोई मेहंदी रचती नहीं है, थोड़े टाइम बाद रचती है। तो वो लोग तो चले गए हैं, उन्हें नजीबाबाद जाना था, और हम हैं अभी कोटद्वार। परी स्कूल जाएगी, नाश्ता अभी किया नहीं है। हैरी रोने लगे थे जब मेहमान जाते हैं, तो आपको पता ही है छोटे बच्चे कैसे करते हैं। तो रात में खाना वाना खवाया भाई, हम कितने बजे सोए, आई थिंक 2 बज गए थे रात के, तब हम लोग सोए थे। और अभी हम उठ गए हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं। तो सब लोग फ्रेश हो रहे हैं, मैं भी अभी होती हूँ, क्योंकि आपको बताया मैं तो स्पेशली वीडियो वगैरह के लिए तैयार होती हूँ, या फिर मुझे कहीं जाना होता है तभी तैयार होती हूँ। तो मैं अभी तैयार नहीं होंगी। और मुझे मेहंदी की खुशबू किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में बताना। और ये मुझे लगता है ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट करना, एंड इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करेंगे। बाय बाय बेटू।